नमस्कार, विकास समाचारमध्ये आपले स्वागत. कुठे सुरक्षित आहेत मुली? आपल्या चिमुकलींचे संरक्षण कसे करावे असा एकच प्रश्न सर्व पालकांच्या मनात उद्भवत आहे. मीरा भाईंदरमध्ये एक माणुसकीला काळीमा फासणारी अशीच घटना समोर आली आहे. मीरा भाईंदरमध्ये एका 45 वर्षाच्या नराधमाने 4 वर्षीय चिमुकलीवर लैंगिक अत्याचार केल्याची घृणास्पद घटना घडली आहे. महाराष्ट्र चिकन शॉपमध्ये चिमुकलीला चॉपर दाखवून कोणाला सांगितलंस तर तुला जीवे ठार मारीन असे सांगून त्याने घाणेरडे कृत्य केले. ही गोष्ट जेव्हा त्या चिमुकलीच्या पित्याच्या संज्ञानात आली तेव्हा त्यांनी भाईंदर हिंदू संघटनेशी संपर्क साधला. हिंदू संघटनेच्या लोकांनी आरोपींच्या दुकानात जाऊन त्याला मारहाण करून व त्याच्या दुकानाची तोडफोड करून आरोपीला नवघर पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आले. स्थानीय विधायक गीता जैन यांनी पीडित चिमुकलीची भेट घेतली. अशा नराधमांना दुबईमध्ये जशी कठोर शिक्षा दिली जाते त्याचप्रमाणे आपल्या देशातही कठोर शिक्षा दिली पाहिजे असे यावेळी त्यांचे म्हणणे. बहुत ही शर्मनाक दुखद घटना और पेरेंट्स को एक बात जरूर कहूंगी कि ऐसे लोग समाज में घूम रहे हैं, दरिंदे राक्षस उनको जो बोला जाए वो कम है, लेकिन मानवता उनके कहीं भी आसपास भी नहीं रहती. ऐसी घटना करने वाले को जितनी कड़ी सजा मिले वो कम है. तो मैं तो इसमें ये भी कहूंगी कि जैसे हमारे जो दुबई वगैरह में जो कड़क सजा है ना, वैसी सजा इन लोगों को यहाँ भी कर लेनी चाहिए सरकार ने, ताकि थोड़ा खौफ पैदा हो. लेकिन उस पर पॉक्सो लगा है और उसको कड़ी से कड़ी सभी धाराएं लगाई जा रही है. और मैं फिर एक बार कहूंगी कि उसे बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाए, और ऐसे जो लोग समाज में है उसे बिल्कुल बख्शना नहीं चाहिए. इस घटना को हुए 1 हफ्ता हो गया है, आज उसके परिवार वाले सामने आए हैं. कहीं ना कहीं लोगों के बीच में थोड़ा शर्मिंदगी और डर रहता है, क्या बोलेंगे ऐसे माता पिता हुए कि इस तरह के मामले को छुपाना नहीं चाहिए. बिल्कुल, क्या होता है थोड़ा सा हमारा समाज ये सोचता है, देखिए जिस लड़की पे ये गुजरती है उसका तो कोई कसूर होता नहीं है, लेकिन सजा लड़की को मिलती है. आजू बाजू वाले लोगों ने कुछ नया उस लड़की को बार बार सुनाना, जो मानसिक टॉर्चर लड़की को होता है उसकी वजह से माँ बाप थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं कि हम ऐसे केसेस बाहर नहीं लाए. मैं आप सभी के जरिए ये कहना चाहूंगी कि ऐसा कुछ भी होता है तुरंत आप पुलिस स्टेशन जाइए, तुरंत ही उस पर एक्शन लीजिए. और वो एक्शन तुरंत लेने से इस तरह से और कोई बच्ची पे भी अगर ऐसा होता होगा तो वो रुकेगा और थोड़ा सा खौफ हमारे समाज में भी रहेगा. खुलकर सामने आइए, कहीं कुछ बच्ची पे, बच्ची की कोई गलती नहीं होती, उस पर कुछ नहीं होगा. खुल के ऐसी बातों को सामने लाइए ताकि उनको कड़ी से कड़ी सजा तुरंत ही मिले. पिछले कुछ दिनों में देखा गया कि इस तरह के मामले में व्यक्ति मतलब एक विशेष समाज के लोग ही जो ज्यादातर सम्मिलित हो रहे हैं, और उसमें जो हिंदू संगठन जब तक आगे नहीं आते उसमें मामला भी दाखिल नहीं होता, क्या बोलेंगे इस तरह के? बहुत, अगर ऐसा कुछ होता है तो प्रशासन की सबसे बड़ी चूक यह है, उनके लिए कोई भी धर्म नहीं होना चाहिए. अमुक धर्म के लोग अगर ये चीज करते हैं तो मैं उन लोगों को भी कहूंगी कि अपनी बच्चियों को सभी धर्म को पहले तो सम्मान दे. दूसरे धर्म की है इसलिए हम कुछ भी ऐसा करेंगे तो ये बात
बिल्कुल भी सही नहीं है। शायद उनका धर्म भी ये नहीं सिखाता, कोई धर्म किसी और पे अत्याचार करना नहीं सिखाता। अगर ऐसा कोई करते हैं तो वो उस धर्म को पालने वाला आदमी हो ही नहीं सकता। आप अगर इस तरह के पीड़ित आपके पास आते हैं तो आप उनके लिए क्या आह्वान? मैं तुरंत ही कहती हूँ कि चलिए सबसे पहले तो पुलिस स्टेशन में चलिए और जो जिस राक्षस ने ये किया है उसे सबसे कड़ी सजा दिलवाएं। सबसे पहला काम तो ये होगा। दूसरा काम कहना नहीं चाहिए लेकिन हमारी बच्चियों को संभालना भी हमारा काम है। अब ऐसे हैवान क्योंकि घूम रहे हैं, बाकी बच्चे हैं वो तो हर तरह पंछी की तरह उड़ते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर उनको हमें बंधन में रखना पड़ रहा है तो ये समाज के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और मैं चाहती हूँ कि वो जमाना वापस आए जब हमारे बच्चे भी खुल के जी सके, बस ऐसे हैवानों को सजा मिलती रहे। सर जो है महिला सशक्तिकरण और महिला को जागरूक करना, पर इस तरह के मामले जो उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं महिलाओं को जो है थोड़ा सा शोषण होता है, इसके लिए आप किस तरह से प्रयास करेगी उनके को रोकने के लिए? महिला सबसे पहले तो एक आत्मविश्वास के साथ ऐसे मामलों को सामने लाए। अपने कोई भी अत्याचार हो, चाहे दहेज उत्पीड़न हो, चाहे कोई और प्रकार का उनका उत्पीड़न होता है, शोषण होता है, तो तुरंत खुल के सामने आए। अब तो ऐसी बहुत सारी संस्थाएं जो ऐसी महिलाओं को साथ देती है। मैं खुद मेरी नारी सशक्तिकरण चला रही हूँ, बिल्कुल खुल के आए। अगर मीरा भाईंदर की कोई भी महिला हमारे पास आएगी तो हम उन्हें मदद करते हैं। ऐसे मामले छुपाने से और ऐसे सहन करने से भी महिला का शोषण, देखिए जो महिला शोषण सहन करती है उसका शोषण कम नहीं होता, तो वो दुख से हम कहीं उसको छुटकारा पा सके, दिला सके, वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात। नौगर पुलिस स्टेशन के हद में ही एक 4 साल की मासूम बच्ची के साथ में दुष्कर्म होने की बात सामने आई है, और जब जैसे ही स्थानीय नागरिकों को इस बारे में सूचना मिली और बजरंग दल के कार्यकर्ता और हमारे कार्यकर्ताओं को जैसे ही पता चला, तुरंत उसके ऊपर एक्शन लिया, आरोपी को पुलिस स्टेशन लेके आकर पुलिस कंप्लेन करवाई है। नागरिकों के अंदर काफ़ी ज़्यादा रोष है, काफ़ी ज़्यादा आक्रोश है, और कहीं ना कहीं फिर से मीरा भाईंदर शहर में यही बात सामने आ रही है। आरोपी बच्ची जो थी वो 4 साल की थी, आरोपी जो था उसकी चिकन मटन की दुकान है, और बच्ची को अकेले में बहलाकर फुसलाकर डराकर उसने ये दुष्कर्म किया है। पुलिस से हमने सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है, और डीसीपी साहब गायकवाड़ साहब ने और स्थानिक पीआई साहब ने भी हमें कहा है कि वो पोस्को के अंतर्गत सख्त धाराओं के साथ में FIR रजिस्टर कर रहे हैं। प्रोसेस शुरू है, कुछ ही देर के अंदर FIR की कॉपी भी मिल जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं हम पुलिस डिपार्टमेंट से ये मांग भी करते हैं कि ऐसे जितने भी जो कि शॉप्स है, जो कि नाम बदल बदल के लोग अपनी आइडेंटिटी बदल बदल के यहाँ पे अपना व्यवसाय कर रहे हैं, इस आरोपी का नाम इमरान बताया जा रहा है, लेकिन उसने वहाँ पे अपनी आइडेंटिटी कुछ और बताई थी, और वहाँ पे महाराष्ट्र चिकन मटन शॉप इस तरीके से उसकी दुकान का नाम था, और कहीं ना कहीं इस तरीके से बार बार वारदात हो रही है, इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसी हमने मांग की है। या घटने ने मीरा भाईंदर परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे। अशा नराधमांची कोणतीच जात नसते व कोणताच धर्म नसतो, अशा आरोपींना कठोर शिक्षा दिलीच पाहिजे। वसईहून मी शैना शेख, विकास समाचार। चॅनलला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब जरूर करा।